स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज हम लोग जो सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकंड ईयर, वही मेरे जिम्मे है भाई। इसके अलावा मैं कुछ और पढ़ाता नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो क्लास नंबर 2 है, इसका मतलब अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो क्लास 1 आपकी मिस हो चुकी है। कोई भी निराशा वाली बात नहीं है, तुरंत इसको यहाँ से मिनिमाइज करिए, उसके बाद ओपन करिए यूट्यूब। YouTube ओपन करने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा ग्लोबल आईटीआई, ग्लोबल आईटीआई नाम का चैनल आपको मिल जाएगा। एक प्यारा सा परिवार है ग्लोबल आईटीआई पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं आईटीआई स्टूडेंट्स का। हम कहते हैं थोड़ा सा कहते हैं अंदर से खुश हो कि यार आईटीआई स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा परिवार है ना, तो आप इसमें जुड़िए। उसके बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आइए, प्लेलिस्ट जैसे देख रहे हैं होम वीडियो शॉर्ट्स दुनिया भर की चीजें इसमें होती हैं, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं देखने वाले, प्लेलिस्ट में आने वाले हैं। और प्लेलिस्ट में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर प्लेलिस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। थंबनेल दिख रहा होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर 2024 सेकंड ईयर क्लास 1, क्लास 1 ऑलरेडी अपलोड है, क्लास 2 फिलहाल आज आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर ले हम पीडीएफ की भी, तो सिंपल है globalitii.org, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस मैं बता भी देता हूँ globalitii.org सर्च करना है। आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन मेन्यू आएगा, आईटीआई कोर्स, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा पूछेगा कि भाई साहब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, तो दोनों जगह यहाँ तड़कती भड़कती फोटो दिखेगी आपको, ध्यान रखिएगा कि सेम फोटो है तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड ईयर वाले पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही सेकंड ईयर पर आप क्लिक करते हो ये रहा आपके सामने जादुई क्वेश्चन बैंक। और दो चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक ये 2023 वाली क्वेश्चन बैंक जो ग्लोबल आईटीआई द्वारा एडिटेड है ओल्ड, प्लस 2024 की न्यू जो है चैप्टर वाइज है, चैप्टर नेम बेसिक करियर स्किल्स। और आज हम लोग जो क्लास पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं, वो भी इसी का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिक करियर स्किल्स, ठीक है। तो हमने इस बार क्या किया कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दे दे रहे हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक बार एक बच्चा था, बोला कि सर आप लिख दिया करो कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, यानी किस टॉपिक से पढ़ा रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है बेसिक करियर स्किल्स है, ठीक है, इसकी ही एक और क्लास हो चुकी है, तो इसके कह सकते हैं कि इस चैप्टर की क्लास नंबर 2 है आज, ठीक है। क्या भाई? क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में भी हमने यही चैप्टर किया था, उसके बाद ये वेबसाइट है globalitii.org, इसको दिमाग में छाप लीजिए। एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, असली चमत्कार इसी को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाइए। देखिए हमें 5 चैप्टर टोटल करना है, बेसिक करियर स्किल, फ्यूचर वर्क स्किल, इंटरनेट स्किल, प्रोफेशनल स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल, ठीक है। पहली क्लास में मैंने बहुत कुछ गाइड किया है, यह देखिए भैया नीचे कमाल की चीज आपको दिखेगी, एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर मॉक टेस्ट, क्लिक हियर, यही दबाइएगा, ठीक है। क्लिक हियर जैसे ही आप करते हो, थोड़ा बहुत एड वेड आएगा, इसको बंद करिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया पेज आ जाएगा जहां पर आपको टेस्ट देने को मिलेगा भाई, एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर टेस्ट 01, 02, 03, इस तरह से 04, इस तरह से आप टेस्ट है, इन टेस्ट को स्टार्ट करिए, फटाफट ये चलते हैं, खटाखट आगे बढ़ेंगे, सही का सही करेगा, गलत का गलत आपके सामने तुरंत दिखाएगा, लास्ट में रिजल्ट भी दिखाएगा। तो भाई बेझिझक इसको आप यूज करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप भी परफेक्ट हो जाओ। ये सारी चीजें मैंने दे दी, क्लासेज में पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो चैप्टर वाइज, टेस्ट आप खटाखट लगाओ, ठीक है। तीन चीजें हमें विशेष करके एम्प्लॉयबिलिटी 2024 एग्जामिनेशन की बात कर लिया जाए, तो 2024 एग्जामिनेशन में हमें विशेष करके दो चीजें ध्यान रखना है, ठीक है, दो चीजें ध्यान रखना है जो क्लास 1 में ऑलरेडी मैंने बता दिया, नहीं हो सकता कुछ बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आपको ओल्ड क्लासेस भी देखनी है, ठीक है, ओल्ड क्लासेस भी देखनी है जिसमें अप्रॉक्स 24 क्लासेस हैं, प्लस न्यू सीरीज ये जो मैंने शुरू किया है, न्यू क्लासेस भी आपको देखनी होंगी, तब जाके आप टोटली तैयार रहोगे, क्योंकि क्या पता कहां से क्वेश्चन पूछ दे। तो इसी प्रकार से पीडीएफ भी मैंने आपको बोल दिया, पीडीएफ 2023 वाला, ठीक है, जो मैंने आपको कराया है ओल्ड प्लस न्यू 2024, दोनों देखिए, ठीक है, दोनों पढ़िए, दोनों प्रैक्टिस कीजिए, सब करिए, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो सब भैया हमने आसान कर दिया आपके लिए, शुरू करें। आज हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक क्लास हो चुकी है पहले ही, क्लास नंबर 1 में हमने यही किया था, और क्लास नंबर 2 में भी यही चैप्टर फिनिश कर देंगे आज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर जो 3 होगी उसमें हम लोग करेंगे फ्यूचर वर्क स्किल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन कर लिया था इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, दो व्यक्तियों के बीच अपने विचारों का, अपने मैसेजेस का, अपने सूझबूझ का, जो भी हम बातचीत करते हैं, हम कुछ आपसे बात कर रहे हैं, आप कुछ मुझसे बात कर रहे हो, यह एक कम्युनिकेशन कहलाता है।
और कम्युनिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली पहले भी ओल्ड क्लासेज में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इसके पहली वाली भी क्लास में हमने ये चीजें पढ़ लिया था कि भाई कम्युनिकेशन देखा जाए तो दो तरह का है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। और जहां पर ऑफिस वाली फीलिंग आने लगे उसको हम फॉर्मल कह रहे थे, और जहां पर भाईचारा, दोस्त यारी, घर परिवार, पार्टी, शादी, ब्याह, रोडवेज, कैंटीन, दुकान, चाय की दुकान, टपरी, ऐसी जगहों पे जो बातचीत होती है जहां पर कोई फॉर्मेलिटी नाम की चीज नहीं होती है, सिंपल सा समझा जाए, जहां पर कोई नियम नहीं होता है कि नहीं ऐसे ही बात कहना है या ऐसे ही बात करना है, वह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो कह रहे हैं कि सभी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इनफॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो बोलकर किया जाता हो, और वर्बल कम्युनिकेशन जो है आपका फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल दोनों प्रकार का होता है। यानी वर्बल कम्युनिकेशन का ही कहा जाए तो ये भी दो टाइप का होता है, इनफॉर्मल भी होता है, फॉर्मल भी होता है। यह पूछ रहा है इनफॉर्मल, कह रहा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। देखिए जहां पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा ना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर ऑफिस वाली फीलिंग आने लगेगी वह फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑफिस मीटिंग में आप बातचीत कर रहे हो, फिर से ऑफिस वाली बात आ गई। जब ऑफिस वाली बात आ गई तो भैया फिर ये भी फॉर्मल हो गया, तो ऐसे में आपके तीन आंसर गलत हो जाते हैं, तो एक बचा वही सही होगा। और ये क्या कह रहा है? कैजुअल कन्वर्सेशन आउटसाइड द ऑफिस वर्क अरेंजमेंट, मतलब ऑफिस के बाहर कैजुअली ऐसे ही बिना मकसद के, बिना किसी टॉपिक के ऐसे ही बातचीत होना, वो कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सब मिलाकर ऐसी बातचीत जिसमें ऑफिशियल फीलिंग ना आए वह आपका इनफॉर्मल होता है। और फॉर्मल कौन सा होता है? जिसमें ऑफिस वाली फीलिंग आने लगे। ऑफिस मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ ऑफिस, ऑफिस मतलब आप अपने टीचर से, आप अपने सीनियर से, आप किसी बैंक मैनेजर से, आप कहीं गए हुए हैं किसी शोरूम में, वहां पर अपने क्लाइंट से, या फिर आपकी शॉप है या आपकी कंपनी है, वहां पर जो दूसरे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ आप बातचीत कर रहे हो इस तरह के, या आप इंटरव्यू देने गए हो, यह सब ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। बाकी दोस्तों यार, शादी पार्टी, घर पर भाई बहन, मम्मा है ना, सब ये सब क्या है? इनफॉर्मल, अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जहां पर औपचारिकता की जरूरत ना हो। जैसे लोग कहते हैं ना, कई बार आप दोस्त के यहाँ चले जाओ, फटाफट जाए पानी वानी लाए, हालांकि आजकल दोस्त ऐसे होते नहीं है, कहते हैं बैठ जाके लेके पी ले पानी, है ना। तो दोस्त कई बार अगर चला गया, अरे बैठो मैं चाय लेके आ रहा हूँ, तो सामने वाला कहता है अरे यार फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैजुअल मीटिंग है, दोस्ती यारी की बात हो रही है, कोई मीटिंग में थोड़ी गए हुए, वहां पर कंपनी बॉस वाली तो बात है नहीं, वही चीज होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे, हम आगे बढ़े। विच ऑफ फॉलोइंग आर सम इनफॉर्मल सिचुएशन, कह रहे थे इसमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल की बात हो रही है फिर से। ठीक है, कह रहे हैं कि खाना खाते समय कैंटीन में, अगर आप कैंटीन में खाना खा रहे हैं और उस समय बातचीत कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन जो है ऑफिशियल नहीं होगा। कौन सा होगा? अनऑफिशियल, अनौपचारिक होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर नियर वाटर कूलर, अब पानी भरने गए हैं, दो लोग मिल गए वहीं पर, यहाँ वहां की बातचीत हो रही है, यह भी इनफॉर्मल होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विद इन, अब विच ऑफ फॉलोइंग आर सम इनफॉर्मल सिचुएशन विद इन वर्क प्लेस, कह रहे हैं जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर ऐसी कौन सी कंडीशन है या ऐसी कौन सी स्थिति है जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। देखिए ऑफिस में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि नहीं आप ऑफिस या कंपनी में काम करोगे तो सिर्फ फॉर्मल ही होगा, नहीं। जब आप प्लांट के अंदर काम कर रहे हो, आप अपने सीनियर के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बॉस से, अपने सुपरवाइजर से बात कर रहे हो, तो वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और आपके साथ काम करने वाले जो होते हैं उनके साथ आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कर सकते हो। कैसे? अंदर हो सकता हो, बॉस के सामने हो, तो फॉर्मली बातचीत कर रहे होगे। जब बाहर कैंटीन में खाना खा रहे हैं, वही दो लोग कैंटीन में खाना खा रहे हैं ऑफिस के, तब अपना मस्त होकर बातचीत कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल हो गया। तो कैंटीन में खाना खा रहे हो या कहीं पानी पीने गए हो, बाहर होता है ना कि ड्रिंकिंग वाटर, तो वहां पर मिल के बातचीत हो रहा है, या फिर कहीं घूम रहे हैं, वेट कर रहे हैं लॉबी में, मतलब गैलरी या बाहर जो एरिया होता है ना, रिसेप्शन एरिया, वहां पर टहल रहे हैं, तो ये सब के सब जो कम्युनिकेशन होंगे सब इनफॉर्मल होंगे। अब जब सब इनफॉर्मल है तो हम लोग आंसर कौन सा पकड़ते हैं? डी पकड़ते हैं। जब सही आंसर सब दिखने लगे तो कौन सा आंसर सही हो जाता है? डी, ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ दीज, मतलब ऊपर की सभी कंडीशंस ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर जो बातचीत होगी कौन सी होगी? इनफॉर्मल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कह रहे हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ फायदे क्या हैं, क्या लाभ है। ठीक है,
मेक्स थिंग मोर ऑफिशियल एट वर्क, कह रहे हैं कि ऑफिस में कोई काम है वो ज्यादा ऑफिशियल बन जाता है, नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है, एक बहुत ही कड़ा एनवायरनमेंट बनाता है, मतलब लोग एक दूसरे से डरते हैं, स्ट्रिक्ट माहौल बनाता है, नहीं भाई इसका कोई लेना देना नहीं है। मेक्स पीपल, लोगों को ज्यादा बात नहीं करने देता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नहीं भाई ऐसा कोई बातचीत नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, इससे क्या होता है हेल्प पीपल टू वर्क टूगेदर बेटर। देखो कई बार क्या होता है कि अगर आपको एकदम कोई बांध के रखे कि नहीं ऐसे ही बोलना है, इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बात करोगे, तब बड़ा काम करना बोझिल हो जाएगा। लेकिन आप कहीं काम कर रहे हो, 10 लोग एक ही कंपनी में, 4 लोग दोस्त हो, जब तक बॉस है तब तक तो आप लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, बॉस जैसे ही जरा गॉसिप शुरू हो गया, अरे देखा आज देखा, अरे वो वहां किसकी सरकार बन गई, ये काम भी कर रहे हो और बात भी कर रहे हो। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से किसी वर्क प्लेस पर, यानी किसी फैक्ट्री, कंपनी, हॉस्पिटल या जहां पर भी जॉब आप करते हैं, वहां पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या फायदा मिलता है, वहां पर एक दूसरे के साथ काम करने में मदद मिलती है, इसलिए क्योंकि हम लोग एक दूसरे से थोड़ा सा बिना फॉर्मेलिटी के भी बातचीत कर पाते हैं, हम अपने अपने थॉट्स, अपने विचार, मतलब खुले खुले तौर पर शेयर कर पाते, कोई पाबंदी नहीं होती है। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर आया जाए तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में भाई लिमिटेड चीजें होती हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द टॉपिक बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि काम के साथ साथ हम लोग अपने पर्सनल चीजें भी एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, और फिर उसी कंपनी में दो चार हमारे दोस्त भी बन जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें काम करना आसान हो जाता है, वहां पे अच्छा लगने लगता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करो और वहां पर आपको बात करने ही नहीं दिया जाए, किसी से बोला जाए कि सिर्फ जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कंपनी से रिलेटेड ही बात करेंगे, तो आपको बहुत ही बोरियत उबाऊ लगने लगेगा ना। तो ये चीज यहाँ पर आपको हेल्प मिलती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, कहाँ पर, वर्क प्लेस पर। जहां पर वर्क प्लेस क्या होता है, हर वो जगह जहां कोई नौकरी करता है वह वर्क प्लेस कहलाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, यू हैव स्टार्टेड न्यू जॉब एट कंपनी, ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू नोटिस सम कोवर्कर चैटिंग, हाउ वुड यू स्टार्ट एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। कह रहे हैं कि भाई आप किसी कंपनी में काम करते हो, लंच ब्रेक हो गया है, और वहां के जो सभी कंपनी में लंच ब्रेक के दौरान आप ध्यान देते हो कि कुछ लोग काम आपके साथ काम करने वाले कोवर्कर, मतलब आपके साथ काम करने वाले, आपस में चैटिंग मतलब बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ठीक है। कहां पर गपशप कर रहे हैं, लंच ब्रेक हुआ है, अपने अपने टिफिन लेके थोड़ा बहुत बकैती कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, हंसी मजाक चल रहा है। अब आप सोच रहे हो कि यार, क्योंकि आपने अभी नया नया जॉब शुरू किया है कंपनी में, तो आप सोच रहे हो कि मैं भी इनके साथ कैसे जुड़ूं, शुरुआत कैसे करूं, ठीक है। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे, ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर्मली, भाई फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इंटरव्यू देने थोड़े ही जा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बात हो रही है कि बातचीत कैसी हो रही है, ये इनफॉर्मल हो रही है, अनौपचारिक बातचीत हो रही है, अनौपचारिक बातचीत हो रही है, और आप वहां पर जाकर फॉर्मेलिटी के साथ लगेंगे, गुड आफ्टरनून सर, क्या मैं यहाँ पर बैठ के आपके साथ खाना खा सकता हूँ, इस तरह की फॉर्मेलिटी वाली बात करोगे, नहीं ये नहीं करना है आपको। या फिर ये कहोगे आपके उसके सैलरी के बारे में पूछना शुरू करोगे, जाते वहां पे कहोगे कितना सैलरी पाते हो, नहीं भाई ये भी गलत है, ठीक है। या फिर उनको इग्नोर कर दोगे और अपने खाना खाने बैठ जाओगे, नहीं, बात यहाँ पर सवाल ये पूछ रहा है कि आप उनसे क्या क्या करना चाह रहे हो, आप उनसे बात करना चाह रहे हो, अपने अलग बैठ के खाना खाने की बात ही नहीं हो रही, आप शुरुआत कैसे करोगे, पता है आप जाओगे उनके बीच बैठोगे, फिर उनसे पूछोगे और भाई आपको क्या पसंद है, आप टीवी कौन सा, स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है, आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं या फिर मूवीज देखना पसंद करते हैं, छुट्टियां आप किस हिसाब से बिताते हैं, संडे में आप क्या करते हैं, इस तरह की बातचीत करेंगे, मतलब कंपनी से रिलेटेड बातचीत ना हो, अलग प्रकार की टाइम पास फॉर्मल बातचीत, मतलब इनफॉर्मल बातचीत, ठीक है, यहां से आप शुरुआत करो, इस तरह की बात करो, वहां पर उनसे पूछोगे, आप बैठोगे उनके साथ, फिर अपनी 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 चीजें बताओगे, उनसे पूछोगे, उनके बारे में जानना चाहोगे, इस तरह की बात करोगे, ना कि वहां पे बैठ के उनकी सैलरी पूछना शुरू कर दिया, इग्नोर करके अपना साइड में जाके अपना चाप के खाना शुरू कर दिया, सब नहीं करना होता, ठीक है। तो ये शुरुआत हम कैसे करेंगे, शुरुआत करने के लिए हमें भी उसी प्रकार की बात करनी पड़ेगी जिस प्रकार की वो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वहां पर बैठ के गपशप ही कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं वो लोग, गपशप कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग मतलब ऐसे गपशप बातचीत हो रही है ना, ये चीज हो गया। नेक्स्ट है, यू आर एट वर्क, आप काम पर हैं, एंड कोवर्कर्स आस्क यू टू सपोर्ट हेल्प विद अ टास्क, आपके साथ में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, वो कहता है यार प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दो,
वो दूसरा काम कर रहा है, आप भी कोई दूसरा काम कर रहे हो, सेम कंपनी में हो, लेकिन वो थोड़ी सी आपसे हेल्प मांग रहा है, ठीक है, आपसे हेल्प मांग रहा है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इनफॉर्मली। अब आपको उससे रिप्लाई देना है, यानी उसको जवाब देना है, लेकिन फॉर्मली नहीं देना है, इनफॉर्मल रूप से देना है कि अच्छा चल यार ठीक है देख लेता हूँ, चलो यार करवा देता हूँ, इस प्रकार से इनफॉर्मल रूप से अनौपचारिक रूप से आप क्या जवाब दोगे, ठीक है। अब ऐसे आप बोलोगे आई कैन हेल्प बट सीरियसली यू डोंट इवन नो दिस मच, वॉट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या आप ये बोलोगे कि मैं मदद तो कर सकता हूँ लेकिन यार तुम्हें पता है, मतलब तुम्हें इतना नहीं पता समस्या क्या है, तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है, मदद तुम्हें कर सकता हूँ, इस तरह से बोलोगे, या आप ये बोलोगे आई एम टू बिजी राइट नाउ, मैं बड़ा व्यस्त हूँ किसी और से पूछ लो, या फिर ये बोलोगे कुड यू प्लीज सबमिट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट बाय ईमेल, आप उससे बोलोगे कि पहले मुझे मेल करो उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं, आप क्या बोलोगे हाँ यार श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड, क्या जरूरत है बताओ, किस प्रकार की हेल्प चाहिए, आप ये जवाब दोगे, ठीक है। अगर आपसे आपका कोई सहयोगी, आपके साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है तो आप क्या बोलोगे, हाँ यार श्योर क्यों नहीं बताओ क्या क्या मदद चाहिए, मैं जरूर करूंगा, ये होगा सही जवाब, ठीक है। तो मैं वहीं से भी कहता हूँ आप लोगों को, भैया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसा है कि इसका क्वेश्चन समझ लिए तो आंसर आप खुद दे लेते हो, आपको महसूस भी होता होगा कि क्वेश्चन अगर मैं 2-3 बार पढ़ता हूँ, अलग अलग तरीके से पढ़ता हूँ, तोड़ फोड़ के पढ़ता हूँ, कहने को इंग्लिश पढ़ता हूँ लेकिन हिंदी में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन समझ गए आप तो आंसर आप खुद दे लोगे, ठीक है, बहुत आसान है, बस अर्थ थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, जितनी देर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उतने देर आपको मोबाइल लेकर बैठना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज वर्क प्लेस एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब शिष्टाचार, शिष्टाचार क्या होता है भाई, हर जगह का एक शिष्टाचार होता है ना, जैसे हम लोगों को क्या सिखाया जाता है घर में, कोई पहले छोटे थे तो लोग सिखाते थे ना, अरे अंकल आए उनका पैर छू लो, ठीक है, या दादा आ गए, नाना आ गए, मामा आ गए, उनको नमस्ते बोलो, पैर छुओ, अब उनके लिए पानी ले जाओ, ठीक है, या फिर कोई आ रहा है तो आप तुरंत उसके लिए दरवाजा खोलो, उसका वेलकम करो, और प्लस वो जब जा रहा है तो उसको गेट तक आकर उसको बकायदे छोड़ो, तो ये सब क्या है, शिष्टाचार कहलाता है। तो यहाँ पर शिष्टाचार की बात हो रही है, लेकिन किस शिष्टाचार की, वर्क प्लेस पर, वह शिष्टाचार जो उस जगह पर किया जाता है जहां पर हम नौकरी करते हैं। अगर उदाहरण के लिए समझा जाए, कंपनी की बात हुई, कंपनी फैक्ट्री ऑफिस जहां पर हम नौकरी कर सकते हैं वो सब वर्क प्लेस कहलाएगा। तो वहां का शिष्टाचार क्या है, इसमें से सही क्या है, कह रहे कैजुअल बिहेवियर, कैजुअल बिहेवियर विद कलीग्स, जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ अनौपचारिक रूप से व्यवहार करना, एवरी डे मैनर्स आउटसाइड ऑफ वर्क, काम के बाहर रोजमर्रा का शिष्टाचार, इसका कोई लेना देना नहीं, मैनर्स आउटसाइड ऑफ द वर्क, ठीक है, मतलब काम से लेना देना नहीं हो उस प्रकार का कार्य करना, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है, ठीक है। और क्योंकि हम वर्क प्लेस पर हैं तो वर्क प्लेस पर हमें अनौपचारिक नहीं, हमें कौन सा व्यवहार करना पड़ता है, औपचारिक करना पड़ता है, कौन सा व्यवहार करना पड़ेगा, औपचारिक, जिसको हम कौन सा कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं। किसी के साथ अगर हमें व्यवहार करना है वर्क प्लेस पे तो अनौपचारिक व्यवहार नहीं किया जाएगा, औपचारिक किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल, ठीक है। क्या करना होगा, प्रॉपर बिहेवियर इन वर्क प्लेस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, हमें क्या करना होगा, कार्यस्थल पर सम्मानजनक और व्यवसायिकता पर आधारित उचित व्यवहार करना होगा, यानी किस प्रकार का बिजनेस या किस प्रकार के पोस्ट पर कौन व्यक्ति है उस हिसाब से आपको व्यवहार करना होगा, यह कहता है हमारा वर्क प्लेस का जो एटीट्यूड, ठीक है, ये जो नन ऑफ एवर्स कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे जो साथ काम करने वाले हैं सब लोगों के साथ आप कैजुअल नहीं हो सकते वर्क प्लेस पर, ठीक है। तो हमारा जो सही शिष्टाचार वो कहता है, वो कहता है कि हमें प्रॉपर बिहेवियर करना चाहिए, यानी हमारे सीनियर हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करना है, उनको उस हिसाब से वेलकम करना है, उनको गुड आफ्टरनून बोलना, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको, जो हम कहते हैं ना कि हिंदी में क्या कहते हैं यार उसको, चलो अभी डिस्कस करते समय आ याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर आंसर बी आपका सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसिडर अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर, फिर से कह रहे हैं कि वर्क प्लेस पर ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो कि सही माना जाएगा, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसे कार्य स्थल पर उचित मतलब सही व्यवहार माना जाएगा। कह रहे हैं नियमित रूप से काम पर देर से पहुंचना, रोज रोज फैक्ट्री कंपनी आप लेट जाओगे, अपने ऑफिस लेट जाओगे, तो ये अच्छा बिहेवियर माना जाएगा, नहीं भाई गलत है।
जब दूसरे लोग मीटिंग में हो, बातचीत कर रहे हो, तो आप उसी में टोको उनको। टोकना मतलब क्या है, इंटरप्ट करने की बात हो रही है कि जब कोई बोल रहा है उसी में तुम भी कुछ बोल दो। जैसे वो किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर दो कुछ बोल के। नहीं, ये भी गलत चीज है। कह रहे हैं टॉकिंग लाउडली ऑन फोन। कह रहे हैं भैया जब मोबाइल आपके फोन, कुछ लोगों की आदत सी होती है फोन पे, हाँ हाँ कहाँ हो, ठीक है, अरे भाग बाय मुड़ जाना, इतना चिल्लाते हैं जैसे कि मोबाइल से ना बात कर रहे हो, सामने वाला दूर ऐसी 500 मीटर कोई खड़ा हो चिल्ला रहे हो। तो वही चीज है कि आप ये सारी चीजें जो है ना वर्क प्लेस के लिए, यानी ऑफिस की बात कर लिया जाए, सिंपल से ऑफिस, वर्क प्लेस मतलब ऑफिस या वो जगह जहां हम नौकरी करें, तो वहां की बात किया जाए, तो वहां पर अगर आप डेली लेट पहुंचते हैं तो ये भी गलत बात है, ठीक है। मीटिंग के दौरान दूसरों को टोकते हैं, इंटरप्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, ये भी गलत बात है। बहुत ज्यादा चिल्लाकर फोन पर बात करते हैं, ये भी गलत बात है। यह कह रहे हैं कि कार्यस्थल को स्वच्छ बनाए रखना, यानी जहां आप काम करते हैं उस ऑफिस को, उस जगह को हमेशा आप क्लीन रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो यही पूछ रहा है कि इसमें से क्या अच्छा है। तो भैया ये वाली चीज जो है अच्छी, इसलिए आंसर डी हम लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, क्रिस्टी इज वर्किंग एट हर डेस्क। क्रिस्टी अपने डेस्क पर कार्य कर रही है। विच ऑफ फॉलोइंग बिहेवियर इज इनएप्रोप्रिएट इन द वर्क प्लेस। देखो क्रिस्टी है, ऑफिस में है, ऑफिस में उनको एक डेस्क मिला हुआ है, ठीक है, ठीक ठाक पोस्ट पर होंगी, उनको डेस्क मिला हुआ है, डेस्क पर वो काम कर रही है। तो काम करते समय डेस्क पर काम कर रही है कौन? क्रिस्टी। अब बड़ा मस्त नाम है ना। तो उसके बाद कार्यस्थल पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अनुचित है, मतलब ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो उनको नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो ऑफिस में हो, ऑफिस में कार्य करते समय, टेबल पर बैठकर वर्क करते समय, इसमें से ऐसा क्या है जो नहीं किया जाना चाहिए। तो कह रहे हैं साफ सफाई करना, भाई ये तो करना चाहिए ना। पूछ क्या रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, अनुचित क्या है, सही क्या है, नहीं है, गलत क्या है। अनुचित मतलब क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। यहां पर भी लिखा हुआ है इनएप्रोप्रिएट मतलब क्या नहीं करना। स्पीक इन पोलाइट एंड क्लियर मैनर। कह रहे हैं कि किसी से भी बातचीत करिए तो बहुत ही प्यार से और साफ सुथरे शब्दों में, क्लियर वॉइस में बात करना, तो ये भी अच्छी बात है। बात हमें ढूंढना है कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फोकस ऑन टास्क एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम फोन। जो आपको काम मिला है वर्किंग आवर में अपने काम पर ध्यान दे, फोन की वजह से डिस्टर्ब ना हो। कई बार होता है कुछ लोगों की आदत से होती है 2 मिनट काम करते हैं फिर फोन पलट के ओ मैसेज आ गया, मैसेज रिप्लाई कर लेता हूँ, काम छोड़ दिया इधर। तो वही चीज कह रहा है, तो कि फोकस ऑन टास्क मतलब अपने काम पर ध्यान रखना, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या है, बार बार जो है टेबल पर टक 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 करना, जैसे कुछ लोगों की आदत हो जाती है ऐसे बैठ गए टेबल पर, तो अभी जैसे मैं थोड़ा साउंड इफेक्ट दे देता हूँ, ऐसे 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 करते रहते हैं, ठीक है, हाथ बजा रहे हैं, कोई पेन बजा रहा होता खटखट, ऐसे कुछ भी करते रहते। तो ये जो करना जो है ये सही चीज नहीं है, यानी ये जो व्यवहार है ये सही नहीं है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था क्या सही नहीं है, तो भैया ये सही नहीं है, बार बार डेस्क पर बैठ कर टिक 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 करना है ना, इससे क्या होगा, कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब होगा या इरिटेट होगा। चलिए, क्योंकि आपका नाम बढ़िया है क्रिस्टी, तो बेचारा बोल नहीं पाएगा, और बोल नहीं पाएगा और आप उसको जो है डिस्टर्ब किए पड़ी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of following action by ISR during the team meeting show appropriate workplace etiquette? कह रहे हैं कि टीम है, मतलब जनरली कंपनीज में भी टीम होती है, ऐसा नहीं फुटबॉल वाली टीम, कार्य करते समय भी टीम होती है कि भाई ये जो है 10 लोगों की एक टीम है, इनका एक टीम लीडर है, उनका एक पर्सन बना दिया जाता है जो 20 लोगों को लीड करता है, वह बताता है कि सबको किस प्रकार से काम करना है, सबके हिस्से काम बांट देता है, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं सब लोग 10-15-20 लोग या 100 लोग एक साथ, तो एक टीम कहलाती है। तो ये बात हो रही है कि टीम की मीटिंग के दौरान आयसा द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई यानी कार्य उचित कार्यस्थल शिष्टाचार दर्शाती है, यानी सही क्या है जो सही काम वो कर देंगे, ठीक है। अब लगातार भैया कंटिन्यूअस फोन अपना चेक कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है और वो अपने फोन में टिप टॉप कर रही है, तो गलत बात है। चैटिंग कर रही है अपने बगल में बैठे हुए, हो सकता हो कि जान पहचान का कोई उनके साथ काम करता हो, उसी के साथ अपना चैटिंग कर रही है बैठ के और मीटिंग चल रही है, ये भी गलत बात है। जो मीटिंग ले रहा है व्यक्ति, ठीक है, जो मीटिंग ले रहा है व्यक्ति उसको इंटरप्ट कर रही है बोलने वाले को, ठीक है, अपनी विचार बोलने के लिए उसको बीच में ये रोक दे रहे हैं। जैसे मान लो सामने वाला कोई बात बोल रहा है तो उसकी बात सुनने की बजाय अपनी बात बोलने लग रही है, तो ये भी गलत बात है। सही क्या है, अपने फोन को साइलेंट मोड पर करके
जो मीटिंग है उसमें एक्टिव रूप से भाग लेना यह सही है, ठीक है, यह सही काम है। किसका भैया? ये सही काम है आयशा का। यही पूछ रहा था कि आयशा जो है मीटिंग के दौरान ऐसा क्या है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब सही व्यवहार, सही व्यवहार इसमें से ऐसा क्या है जो सही व्यवहार है यहाँ के लिए वर्क प्लेस के लिए मीटिंग के दौरान। तो सही व्यवहार यही है कि भाई अपना मोबाइल आप करिए बंद और पूरा मीटिंग पर करिए फोकस, ठीक है, और आप मत बंद करिएगा अभी, आपको तो पूरी क्लास देखनी है ना। चलिए अगली, तो अगला क्वेश्चन अगला ये ना, ठीक है जी। ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक अर्जुन ओवरहियर्स हिज कोवर्कर्स गॉसिपिंग अबाउट अनदर कोवर्कर, व्हाट शुड अर्जुन डू। देखो भैया, अर्जुन जो है ना लंच ब्रेक में बैठे हुए थे, अब इनके साथ में आठ लोग काम करते हैं, चार इधर बैठे हैं और चार जो है कहीं और होंगे, तो ये जो चार बैठे हुए हैं यहाँ पर उस चार के बारे में बुराई कर रहे हैं। अब अर्जुन ने सुन लिया, तो अब अर्जुन को क्या करना चाहिए, अब आप बताओ क्या करोगे। यही कह रहा, लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन ने अपने सहकर्मियों को दूसरे सहकर्मियों के बारे में गपशप करते हुए सुना और अर्जुन को क्या करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं, टेल हिज कोवर्कर्स दैट गॉसिपिंग इन एप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर, कि अपने सहकर्मियों को बता दें कि कार्यस्थल पर गपशप करना अनुचित व्यवहार है, उनसे ये बोल दें कि भैया वर्क प्लेस पर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में गपशप करना गलत है, ये चीज बोल दें। दूसरा, जो गपशप चल रही है उस ज्वाइन द कन्वर्सेशन एंड शेयर हिज ओन ओपिनियन अबाउट द कोवर्कर, अब वो भी उसी में शामिल हो जाए और उसके बारे में बात करना, अपना भी बताना शुरू कर दे कि हाँ यार सही कह रहे हो, तो बड़ा हरामी है, टाइम से आता नहीं है, ठीक है, ये भी शुरू हो जाए, उसी को ज्वाइन कर ले मतलब उस ग्रुप को। या फिर टेल अनदर कोवर्कर्स अबाउट द गॉसिप, या जो वहां पर नहीं था जिसकी बुराई चल रही थी उसको बता दे कि भाई आज ना लंच में बैठा था तो तेरे बारे में वो सब ऐसा ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। या फिर लास्ट वाला है, लिसन टू द गॉसिप, गॉसिप मतलब गपशप को सुनो। देखो तरीका ये है कि चुपचाप सुनना भी नहीं है, ना ही दूसरे को बताना है कि भाई तेरी बुराई चल रही थी आज। तीसरा, अब ऐसा नहीं है कि जब किसी की बुराई चल रही है आप भी उसी में घुस जाओ और आप भी मिलकर उनके साथ बुराई करना शुरू कर दो, नहीं, आपको क्या करना है, आपको प्यार से उनको बोलना है, ठीक है, प्यार से बोलना है कि यार ये सब करना ठीक नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आज वो दूसरे के बारे में कर रहे हैं, कल को आपके बारे में भी करेंगे, तो ये चीज बोलना सही रहेगा। अपने सहकर्मियों को बताएं कि गॉसिप जो है, यानी इस तरह की किसी और के बारे में बुराई करना जो वहां पर उपस्थित नहीं है। कई बार ऐसा आपके दोस्तों में भी होता होगा कि आप चार लोग दोस्त होते होंगे और उसमें से जो एक बंदा है ना, जिस दिन वो नहीं रहता होगा आप लोगों के ग्रुप में, उसकी बुराई उस दिन हो रही होगी, जब उस दिन अगले बार वो आएगा और आप में से कोई एक गायब होगा, तो फिर जो नहीं रहता उसकी बुराई चलती है। ये एक बहुत स्वाभाविक सी चीज है, अक्सर होती है, होती है कि नहीं, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, तो इसको बोलना है कि भाई ये जो है ना वर्क प्लेस का एक अच्छा मैनर नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर ए सही है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज गुड टीम वर्क, कह रहे हैं इसमें से ऐसा क्या है जो दिखाता है कि भाई अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है। अच्छा टीम वर्क क्या होता है? सब लोग मिलजुल कर काम करें, किसी से द्वेष भावना ना रखें, किसी से लड़ाई ना करें, मेन टारगेट पर फोकस करें, ठीक है। जैसे टीम वर्क क्या होता है, जैसे टीम वर्क है कि जैसे मैं प्लान करूं कि नहीं टाइम से मुझे एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाना है, सनी सर प्लान करें कि इलेक्ट्रिशियन बच्चों को इलेक्ट्रिशियन पढ़ाना है, अभिषेक सर अपनी मेहनत करें कि नहीं टाइम से मैं फिटर थ्योरी खत्म कर लूंगा, सब मिलाकर, क्योंकि एक टीचर तो खत्म कर नहीं पाएगा कि मैं ही सारा कुछ कर दूं, तो वो तो फिर फॉर्मेलिटी हो जाएगी, मतलब फिर तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अब हड्डी वाला डॉक्टर दिमाग का भी इलाज करे, पैर का हड्डी वाला दिमाग के साथ साथ आपके दिल का भी ऑपरेशन कर दे, तो ये संभव नहीं है। तो उसी तरह से किसी भी, अब एक आईटीआई कोर्स के लिए दो तीन टीचर सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तो ये क्या है, एक टीम वर्क है, सब लोग प्लान करते हैं, सब लोगों का अल्टीमेटली क्या होता है कि यार सारा कुछ टाइम पे खत्म करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट मिले, तो ये टीम वर्क कहलाता है। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो टीम वर्क को दर्शाता है, मतलब जो दिखाता है कि हाँ भाई ये टीम वर्क है। क्या है? कीपिंग ऑल आइडिया टू योरसेल्फ, अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आए तो चुपचाप अपने अंदर ही रखो, किसी को बताओ मत, तो भाई ये टीम वर्क तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूं, किसी को बताऊंगा नहीं, तो क्या हो गया, ये टीम वर्क नहीं है।
क्रिटिसाइज टीममेट एफर्ट्स। अगर आपके साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसकी जो मेहनत कर रहा है उसको बार बार उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना क्या बेकार है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसको मतलब हर बार उसको क्रिटिसाइज करना, उसको हिंदी में क्या करें आलोचना करना, ठीक है, तो ये भी सही बात नहीं है। इग्नोरिंग अदर आइडियाज, अब आप तो मान लो कोई आइडिया दिए कि हाँ यार ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं, जब दूसरा कोई अपना सजेशन दे रहा है तो उसके सजेशन को इग्नोर कर दे रहे हो, या छोड़ो यार तुम मेरा वाला काम सही रहेगा, नहीं, क्या सही रहेगा, वर्किंग टूगेदर टूवर्ड अ कॉमन गोल। मतलब अगर हमने ठाना है कि आईटीआई स्टूडेंट्स को अच्छा नंबर दिलाना है तो सभी टीचर्स को एक साथ मिलकर आना होगा और सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, तो ये कहलाता है टीम वर्क। टीम वर्क क्या कहलाता है, एक समान लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, आईटीआई स्टूडेंट्स के बेहतर रिजल्ट के लिए क्लासेज लाना, और उस लक्ष्य के लिए क्या है, एक ही दिशा में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा टीम वर्क। ठीक है भाई, तो आंसर आपका सी हो गया। इसी बात पर वीडियो खत्म करने से पहले, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर टीम वर्क, कह रहे इसमें से ऐसा क्या है जो टीम वर्क के लिए जरूरी नहीं है, इसमें से क्या है जो टीम वर्क के लिए आवश्यक नहीं है, यानी टीम वर्क की बात होगी तो उसका टीम वर्क में कोई लेना देना नहीं है, क्या है ऐसा भाई, संघर्ष, तर्क, आर्गुमेंट, एक दूसरे से बहस करना, नहीं, टीम वर्क में अगर आप बहस करोगे तब फिर काम नहीं चलेगा। स्वस्थ संचार, ओहो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि सवाल उल्टा पूछा है, सवाल क्या पूछा है, टीम वर्क के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो टीम वर्क के लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें, ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे से सही ढंग से हेल्दी तरीके से बातचीत करें, इसके लिए जरूरी है कि हम काम बांट लें, जैसे इम्प्लॉयबिलिटी मैं पढ़ाऊंगा, WCS जो है अभिषेक सर पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का सनी सर पढ़ाएंगे, फिटर अभिषेक सर पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रीशियन सनी सर पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत न्यूज अपडेट गाइडलाइंस मैं आपको दूंगा, तो काम को बांट लेना, यानी अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात करना, काम को बांटना, उसके अलावा एक दूसरे पर विश्वास करना, यह सब कुछ जो है टीम वर्क के अंतर्गत आता है। लेकिन एक दूसरे से संघर्ष करना, यानी एक दूसरे से मन मुटाव, एक दूसरे से मतलब बहस करना, एक दूसरे से कह लो इनडायरेक्ट में तो झगड़ना, किसी मुद्दे पर सहमत ना होना, यह सब क्या कहलाता है, यह कहलाता है भैया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है टीम वर्क में। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि टीम वर्क के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो टीम वर्क के लिए ये आवश्यक नहीं है भाई, ये आ गया तो टीम टूट गई, ठीक है, तो चलिए आंसर सी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, रवि इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विद टू अदर टीममेट्स, यानी रवि है और रवि के साथ दो लोग और काम कर रहे हैं, ए और बी दो लोग मिलके का, मतलब सब लोग तीन लोग हो गए, विच ऑफ दीज मेक हिम अ गुड टीम प्लेयर, अब इसमें से ऐसा क्या है जो रवि को अच्छा जो है टीम प्लेयर बना सकता है, टीम प्लेयर मतलब साथ में, टीम प्लेयर क्या होता है, एक होता है वह प्लेयर जो अपने लिए अकेले खेलता है, और एक वह जो एक दूसरे से सामंजस्य से बना के, एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करके एक साथ काम करते हैं, टीम के लिए खेलना यानी किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करना, टीम प्लेयर वाली यहां पर बात आ गई, ठीक है। Getting angry when other don't listen, जब दूसरा व्यक्ति आपकी बात ना सुन रहे हो तो तुरंत गुस्सा हो जाओ, ये तो कोई मतलब नहीं है, तब आप टीम प्लेयर कहां से हुए, पेशेंस रखना होगा ना, या ये सोचना कि he can never make mistakes, अगर आप ये सोचते हो कि वो कभी भी गलती नहीं करेगा तो ये भी गलत हो गया। Not listening his teammates ideas, आपके साथ काम करने वाले A और B अगर आपको कोई आइडिया दे रहे हैं तो उनकी बात को नहीं सुन रहे हो आप, तो भी ये गलत बात हो गई, ठीक है। Sharing idea, ठीक है, sharing idea to help team वर्क फास्टर, यानी सब लोग मिलकर अपने अपने विचार दें जिससे कि कोई अच्छा रास्ता मिले और जो कार्य कर रहे हैं वो जल्दी से हो सके, तो वो भैया कहलाएगा कि अच्छा टीम प्लेयर। कैसे अच्छा टीम प्लेयर कोई बन सकता है, अगर अपने आइडिया शेयर करे एक दूसरे से, और फिर क्या करे जिससे कि जो भी कोई काम, कई बार क्या होता है ना कि मैं कुछ टाइपिंग या पीपीटी वगैरह बना रहा होता हूं तो कई बार सनी सर मुझे सजेस्ट कर देते हैं, सर ये आप यहां से कॉपी कर रहे हो फिर वहां ले जाके पेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा है कि यहां से डायरेक्ट ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक, सजेशन दे देते हैं, फिर उससे क्या होता है मेरा काम और फास्ट हो जाता है, तो यही कहलाता है टीम वर्क, ठीक है जी। तो यही यहाँ पर आंसर जो है बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खिलाड़ी का मतलब खेलने वाला नहीं था, किसी टास्क पर आप काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं,
तो वहां पर टीम प्लेयर की बात हो रही है, ठीक है जी, आगे बढ़ो। योर टीम हैज कंप्लीटेड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। भाई कोई बड़ा टिपिकल प्रोजेक्ट था, हो सकता हो कहीं पावर प्लांट लगाया जा रहा था या कहीं टावर बनाया जा रहा था बिजली का, सब लोग मिलकर काम कर रहे थे और कंप्लीट कर लिया उस काम को आपके पूरी टीम ने मिलकर, ठीक है, आपकी टीम मिली और पूरा कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट को। हाउ शुड यू सेलिब्रेट द सक्सेस? हो सकता हो कि आप टीम के लीडर थे, आपके साथ 20 लोग काम कर रहे थे, आपने सफलतापूर्वक कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब भैया आप उसको सेलिब्रेट कैसे करोगे? टीम ने एक बढ़िया प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण, मतलब एक टिपिकल काम था, उसको समय से सफलतापूर्वक कर लिया, अब बात आती है सेलिब्रेट करने की, तो उसको आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? देखो, से यू डिड एवरीथिंग, डोंट प्रेज अदर्स। आप ये कहो कि जो किया सब मेरा किया धरा है, तुम लोगों ने कुछ खास इसमें नहीं किया है, ठीक है, तो ये तो गलत बात हो गई। किसी भी त्रुटि के लिए समूह को दोषी दे, मतलब अगर आप जीत गए तो कहो कि मैं जीता, और अगर आप हार गए तो कहो कि आप अपने टीम की वजह से हारे हो, तो ये भी तो गलत बात हो गई। अगर जीत रहे हो तो आप जिम्मेदारी ले रहे हो, तो हारने की भी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, तो ये भी गलत बात हो गई। ये कह रहा है ना कि ग्रुप को आप जो है दोष दे दो, ग्रुप को दोष देना कि आपके जो साथ काम करने वाले थे ये बेकार थे, नहीं, ये भी गलत बात हो गई। डोंट सेलिब्रेट, स्टार्ट नेक्स्ट डॉग, सेलिब्रेशन छोड़ो अगले काम पर लग जाओ, नहीं भाई ये भी गलत बात है। कोई भी अच्छा काम या एक अचीवमेंट के बाद सेलिब्रेशन से क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो ये भी गलत बात होगी। अब क्या है, थैंक्स एवरीवन इन योर ग्रुप फॉर हेल्पिंग। अब आपको कहना है भाई, सबको थैंक यू बोलना है फिर पार्टी करना है, थैंक यू बोलना है फिर पार्टी करना है, ठीक है, सबको थैंक यू बोलना है, जितने भी आपके साथ 20 लोग काम कर रहे थे तो 20 के 20 को थैंक यू बोलना है कि भाई आप सभी की वजह से आज हम लोगों ने, मैंने नहीं, आप सभी के लोगों की वजह से आज हम लोगों ने जो है इतना बड़ा टास्क पूरा किया। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो आप देखते हो, ये जो आप देखते हो ना संख्या, आप पता नहीं देखते हो कि नहीं, मैं रोज देखता हूं इस संख्या को, ये जो 1 मिलियन क्रॉस हो गया, क्या है ये आईटीआई यहां पर जो होता है, तो ये हमेशा कहता हूं मैं कि इसको मैं कितना भी चाहूं, इसके अंदर मतलब कितना खाद, पानी, गोबर वाली खाद या फिर यूरिया सब कुछ डाल दो, ये मैं नहीं बढ़ा सकता। ये कैसे बढ़ता है, ये जो परिवार है या जो संख्या देख रही है आपको कि हाँ 11 लाख लोग हो गए या 10 लाख लोग हो गए, ये कैसे बढ़ता है? ये बढ़ता है आप और हमारे दोनों लोगों के ज्वाइंट एफर्ट से। हम जब सब लोग साथ में मेहनत करते हैं तब होता है। बहुत से लोग कई बार कमेंट करते हैं, सर मैंने अपने क्लास के 20 बच्चों को चैनल सब्सक्राइब करवाया, तो ये क्या है? तो ये मैं कहूं कि ये मेरी वजह से ये 10 लाख लोग जुड़े हैं तो ये गलत होगा। वही चीज यहां पर हो रहा है कि ये मुझे भैया, मैं भी आप सभी को थैंक यू कहता हूं और हर बार कहता हूं, चलो आज इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोगों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूं कि इस बड़े से एक बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण या एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, या कह लीजिए कि एक इस दिशा में जहां पर शायद मैंने कभी सोचा नहीं था और तक उस ऊंचाई तक आप लोगों ने पहुंचाया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो ये तरीका है, अपने टीम को आप थैंक यू बोल सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हूं मैं ही हूं, सब कुछ मैंने किया। ड्यूरिंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट वन ऑफ योर टीममेट इज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट देयर असाइंड टास्क, व्हाट शुड यू डू? देखो कई बार क्या होता है, जब कई लोग काम कर रहे होते हैं, 4-5 लोग, तो काम को बांट दिया जाता है, ठीक है, काम को बांट दिया जाता है कि आप टाइपिंग वाला काम करेंगे, आप वीडियो क्लासेस तैयार करेंगे, कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा कोई टेस्ट क्रिएट कर रहा होगा, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, तो कार्य बांट दिए जाते हैं। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा अपने काम को समय से नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे में क्या करेंगे? वही यहां पर पूछ रहा है कि एक ग्रुप है, टीममेट का ग्रुप है, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और आपके टीम का कोई ऐसा सदस्य है जो अपने कार्य को पूरा कर नहीं पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन निर्धारित जितना काम है उतना कर नहीं पा रहा है, तो अब ऐसे में आप क्या करोगे? क्या आप उसको इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे, अपना काम सिर्फ करोगे, सिर्फ आप अपने पर ही ध्यान दोगे, तो टीम का मतलब क्या हुआ? अगली बात है, ऑफर हेल्प एंड सपोर्ट देम, उसके अलावा छोड़ दे, क्रिटिसाइज देम फॉर नॉट बीइंग एफिशिएंट, यानी आप उसको बोलना शुरू कर दो, या तू बेकार है यार, मेरी टीम में कहां से आ गया, मेरा काम खराब कर रहा है, आप ऐसा बोलना शुरू कर दो, ये भी गलत बात है। कंप्लेन टीचर अबाउट देयर लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर मान लो कई बार होता है कि प्रैक्टिकल के प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं आप लोगों को, 4 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है, हो सकता है 3 लोग होशियार हो, एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर हो, वो उतना समय से वो काम ना कर पा रहा हो जो आपने उसको दिया है, सब 4 लोगों ने बांट लिया ना कि भाई ये वाला काम तू करेगा, ये वाला तू करेगा, ये वाला तू करेगा, मैं करूंगा, है ना, तो कोई एक बच्चा नहीं कर पा रहा है,
तो उससे में ऐसे में क्या होगा, आप उसकी हेल्प करो, उसका सपोर्ट करो, जिससे कि वो कार्य है पूरा हो सके। क्योंकि वो कार्य सिर्फ उसका नहीं है, सबका है ना, टीम का है। तो जब एक व्यक्ति अगर किसी कार्य को करने में कमजोर है तो आप उसकी मदद करिए, तभी तो एक टीम का मतलब निकलेगा यहाँ पर। तो आज जो है हमने इस चैप्टर को पढ़ाया और समझाया और इतनी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश किया है। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, या फिर कोई ऐसा जो सोचे कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो कभी ये टॉपिक जानता ही नहीं, उसको भी मैंने एक एक एग्जाम्पल और एक एक लाइन को चिल्ला चिल्ला कर समझा समझा कर बताने की कोशिश किया है। और भैया आज की क्लास के लिए इतना ही, लेकिन नीचे मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि मेरी जो एफर्ट है, मेरी मेहनत है, वो आपको कैसी लगती है और ये क्लासेज आपको कैसी लगती है जरूर बताइएगा। और इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्लास नंबर 3 होगा, उसमें न्यू लेसन शुरू करेंगे, यानी न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आज वाला चैप्टर जो है यही खत्म होता है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे, पहली क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे, दूसरे में मैंने 15 करा दिए। और ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराए हैं, मैंने पूरा एक तरह से आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, भले ही क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को उतना ही मजा आया होगा जितने मजे के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। बस इतना ही समय दीजिए जितना मैं दे रहा हूं, और रिजल्ट तो बढ़िया ही आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।